उसकी व्यथा देख संसार छोड़ के जाते हूँ। जवाब दिया है गाय ने, सुनिए महाराज, मैं गाय नहीं हूं, पृथ्वी हूं। पृथ्वी दुनिया का अधर्म अन्याय देख करके महाराज मैं जा रही हूं, क्योंकि पाप के बोझ से महाराज में कबीर साथ लगाते हूँ। जवाब दिया गाय ने, सुनिए महाराज, मैं गाय नहीं हूं, पृथ्वी हूं। पर्वत नदियां तालाब सिंधु अपने ऊपर धारण करती हूं। पाप के बोझ से महाराज मैं रसातल को जा रही हूं। और हमारे पीछे इस बैल को देख रहे हो, ये बैल नहीं है, धर्म का अवतारी है। महाराज जो ये देख रहे हो हाथ में लाठी पकड़े हैं, यही कलयुग है। और इस कलयुग के शासन में महाराज बहुत बुरे काम हो गए, इसलिए भगवान हम कलयुग के आने से पहले ही किनारा कर रहे हैं। महाराज कलयुग में बहुत बुरे काम होंगे, अधर्म होगा। कलयुग में लोग ज्ञान वैराग्य को नहीं मानेंगे, कलयुग में लोग भक्ति नहीं करेंगे, कलयुग में माता पिता गुरु का सम्मान नहीं करेंगे। और हम कहां तक बताएं श्रीमन, कलयुग में कितने कितने बुरे काम होंगे। गाय और बैल परीक्षित को समझा रहे हैं, सुनिए, कलयुग में कितने बुरे काम होंगे। बोली कैसे होंगे कि सच न की कदर ना है, झूठ न के सतकार, काऊ को न लेके देवे उनसे कहे होशियार। जरा ध्यान देना, कलयुग की महिमा के बारे में हम बता रहे हैं। सांच न की कदर नाए, झूठन के सतकार, काऊ को न लेके देवे उनसे कहे होशियार। सीधे साधे भोले भाले तन से लोग कहे गमार, साहू को बतावे चोर, चोर बने साहूकार। कलयुग में सच बोलने वाले का सम्मान नहीं होगा, झूठ बोलने वाले की बड़ी इज्जत होगी। और कहां तक वर्णन करें कलयुग के बारे में, कैसे कैसे काम होंगे कलयुग में। विप्र होए विद्याहीन, क्षत्रिय होए बलहीन, वैश्य होए लोभी कामी, शूद्र होए पराधीन, चारों ही वर्ण निज, धर्म से होए हीन, तप जाए तेज जावे, बुद्धि हो बे मलीन। लला बोला कलयुग में चेला कैसे होए, बाप करना ऐसे चेला होंगे कलयुग में। वैसे बताया है कि पहले के जमाने में चेला गुरु को ढूंढते थे, और आज के जमाने में गुरु चेले को ढूंढते हैं, क्योंकि चेला पता ही ना लगा तो मुझे किरके चेला है। जैसे नेतन की कोई गिनती ना है, ऐसे चेलन को कोई वजूद ना है। बेई नेता बसपा में, बेई भाजपा में, बेई सपा में, जो सो झंडा ऊंचो मालम पत्तो भाई को झंडा लगा लेते हैं, ऐसे ही चेलन को ना मरुए। जाई गुरु को ने ना ज्यादा नाम मालम पड़ो, कोई गुरु बना लो केवल ला से पाल। चेला दे पेला जो गुरु की ना बात माने, आजकल के ऐसे चेला है, माफ करना मैं बुराई नहीं कर रहा हूं। चेला दे पेला जो गुरु की ना बात माने,
जिनसे सीखी विद्या पे उन्हीं से भी बात ठाने तुम का जानो जाना हम तुम सहता कमे जाने मूर्ख बताए सिखाए पढ़ाए ताने धन्य है आजकल के चेलाओं को और धन्य है आजकल के गुरुओं को जो दूसरे के बाप को नाव कटवाए के अपन बाप बन जाता है। अंतर है ना। अब गुरु को मिना बात जाए गुरु ने की गलती ना लला से पाल गलन गलन गुरु आ फिर चेला माला ले तुम्हारो दोस्त तो नहीं है। गलन गलन में गुरु फिरे चेला माला ले और स्वर्ग जाओ चे नरक में हमें रुपया दे तुम काऊ के चेला हो बने रहो हमें रुपया दो हमारे चेला पक्के हैं। करना इस कलयुग में मित्र कैसे होंगे। मित्र मित्र होंगे चार तरह के मित्र दोस्त साथी फ्रेंड। अंतर है मित्र वो होते हैं जो अपने मित्र को दुखी देख करके दुख मानते हैं सहायता करते हैं। साथी वो होते हैं जैसे आज हम आपके साथी बन गए हैं कल आप किसी और के साथी बन जाओ। दोस्तों ने कहते हैं ना आप हमें जानते थे ना हम आपको जानते थे प्रेम हो गया दोस्ती में बदल गया जीने मरने की कसमें खाई। और फ्रेंड वो होते आज मिल गए फ्रेंड फ्रेंड यानी फ्रेंड मित्रन के ऐसे ठाठ मिल मिल के घाट करे तुम करो अन्य की उल्टी दगा तुम्हारे साथ करे माल मारे जाल डारे हाल दिन रात करे ठगई के काजे बड़ी मीठी मीठी बात करे। क्या जमाना है हम तो ये देखते रहता हूं सधबन पे वस्त्र नाए विधवा सिंगार करे छोड़े पति देव अन्न जो घर बार करे अपनी सुंदर पत्नी छोड़े वैश्यन से प्यार करे। आजकल की नारियां जो अपने पे गुमान करे नकशे बाजी में चले शादी में सिंगार करे अपने पति को छोड़ के दे भुगंत क्षमा चाहते हैं हमारे संत भगवान बैठे हैं। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं लेकिन कलयुग के वर्णन में दर्शा रहा हूं कलयुग में महात्मा कैसे होंगे। वैसे महात्माओं में बताया है कलयुग में संत होंगे चार प्रकार के असली नकली कतली और फसली। चार तरह के होते हैं माफ करना जो हमारे पांडाल में भागवत सुन रहे हैं जैसे भगवान के भजन में है जो भगवान की कथा सुनते हैं यही असली संत होते हैं। वैसे दुनिया में महात्मा तो बहुत हुए लेकिन जो भगवान की कथा से प्रेम नहीं मानते हैं भगवान की कथा को नहीं मानते हैं वो असली संत नहीं होते हैं। जो भगवान की कथा सुनते हैं भगवान की भक्ति करते हैं वही असली संत होते हैं। और नकली वे होता है कौन से बच्चन ने मारो पत्नी ने रोटी ना दई सोचन लगे जे भर्ती बड़ी बढ़िया है पुलिस की भर्ती हो ये फौज की भर्ती हो सब कुछ देखो जा तो लेकिन जब महात्मा की भर्ती में कछ ना देखो जा तो है
कितने टाइम पे महात्मा बन जाओ, कितनी उम्र पे महात्मा बन जाओ। और महात्मन में भी माफ करना अलग अलग क्वालिटी होती है। सिर मुड़वाए दे तो सब लोग कहते हैं सन्यासी बाबा जी, लाल कपड़ा पहन ले तो सब लोग बाबा जी कहते हैं सीताराम, और पीले कपड़ा पहन ले तो राम राम पंथी बाबा, हरे कपड़ा पहन ले तो मुसलमान पंथी बाबा, कारे कपड़ा पहन ले तो भैरव पंथी बाबा, और सब कुछ उतार के धद्दे चलोगा बाबा। कतली बेव होते काऊ को कतल कर दो, पुलिस का डर है, समाज का डर है, लंबी लंबी जटाएं कर ली, लंबी दाढ़ी कर ली, अब लोग पहचान नहीं पाएंगे। और फसल ही बे हो तो जब फसल तैयार हो तो सोई बाबा बन जा, तो फसल खत्म हो सोई घरे आ जाता है। डाकू बदमाश सब हो साधन के धरे भेस, चांद से लपट कोई लंबे लटकाए केस, माल मारे जाल डारे जगत को ठगे हमें, सैकड़ों प्रपंच रचे मीट मदिरा मांस भाए, गाड़ी में जहां को जाए बिना टिकट बैठ जाए, लग जाए दाव तो लेके माल वहां से जाए। दशा है हमारे जमाने की, क्या दशा है।